उत्तराखंड एसटीएफ ने एक ऐसे राष्ट्रीय साइबर गिरोह का पर्दाफाश कर दिल्ली एनसीआर से 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जो कारगिल शहीद परिवारों को अतिरिक्त पेंशन और अन्य आर्थिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के नाम पर लाखों करोड़ों की ठगी करता था। पकड़े गए गैंग के लोग खुद को रक्षा मंत्रालय के अधिकारी बताकर देश भर में शहीदों के परिवारों और पेंशनर अफसरों को तरह तरह का सरकारी प्रलोभन और स्पेशल ग्रांट दिलवाने के नाम पर ठगी का जाल बिछाते थे। देखिए, कुछ समय पूर्व हमारे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन देहरादून में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें कि एक वरिष्ठ नागरिक थे, उनका बेटा जो था, जो कि सेना में कैप्टन थे और कारगिल युद्ध के दौरान जिनकी जो शहीद हो गए थे, तो उनके नाम पर एक कुछ लोगों ने संपर्क किया और कहा कि जो आपको कुछ एडिशनल ग्रांट मिलनी थी वो आपको नहीं मिली, आपने समय से फॉर्म नहीं भरा है, हम आपको पर ईयर 12 लाख रुपए की ग्रांट दिलवाएंगे, इसके हम और रक्षा मंत्रालय से अपने आपको पोस्ट किया कि हम रक्षा मंत्रालय से बोल रहे हैं। तो उस तरह से करके उन्होंने अन्य लोगों के नंबर दिए कि हमारे सीनियर से आप इनसे बात कर लीजिए, ये करवा सकते हैं। तो इस तरह से विक्टिम को एंगेज किया और उन्होंने प्रोसेसिंग फी के नाम पर, NOC के नाम पर लगभग 45 लाख रुपए हमारी विक्टिम के साथ में ठगी कर दी थी, जो कि एक गंभीर और संवेदनशील मुद्दा था और सेना से भी जुड़ा हुआ था और एक वरिष्ठ नागरिक भी इसमें इन्वॉल्व थे और उनकी लाइफ लॉन्ग की सेविंग थी वो इसमें चली गई थी। तो हम लोगों के द्वारा तत्काल इसमें एक टीम बनाकर FIR रजिस्टर की गई और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की गई। लगभग 8-10 दिन पहले ये केस रजिस्टर किया गया है, तो बहुत जल्दी हमारी टीम ने इसको वर्कआउट किया है और 5 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। ये सारी गिरफ्तारियां लक्ष्मी नगर दिल्ली से हुई हैं। इनसे पूछताछ में आया है कि ये लोग काफी समय से कॉल सेंटर्स में काम करते थे और वहां से एक दूसरे के संपर्क में आए थे और वहां से इन्होंने कुछ इलीगल एक्टिविटी साइबर फ्रॉड की सीखी थी और पिछले 6 महीने से अपना एक कॉल सेंटर वहां पर चलाते थे। ये गूगल के माध्यम से कई ऐसे विक्टिम्स की डिटेल ले लेते थे, जहां पर कि कुछ रिटायर्ड लोग हैं जो कि जिनको पेंशन मिलती है या कुछ शहीद हैं जिनको बेनिफिट्स मिलते हैं, ऐसे लोगों की डिटेल वो गूगल के माध्यम से ले लेते थे और उनको कॉल करके और उनको डरा कर कि आपकी पेंशन बंद होने वाली है या फिर उनको प्रलोभन देकर कि आपको एडिशनल बेनिफिट हम लोग दिलवा सकते हैं, उनके साथ में चीटिंग करते थे, धोखाधड़ी करते थे। तो ऐसे 5 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। इनसे बड़ी संख्या में मोबाइल फोन, सिम कार्ड्स, डेबिट कार्ड, चेकबुक इत्यादि बरामद की गई हैं। इन सभी का एनालिसिस किया जाएगा कि इनसे कितने लोगों के साथ में फ्रॉड किया गया है, किस अमाउंट का फ्रॉड किया गया है और इन सभी को अभी माननीय न्यायालय के